फिल्म जगत में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें सुकून की जिंदगी नसीब हुई। अगर यहाँ नंदा जी हैं तो यहाँ कामिनी कौशल भी हैं, जिन्हें हर प्रकार का सुख मिला सिवाय दिलीप साहब के। जी हाँ, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी में, जहाँ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस कामिनी कौशल जी की कहानी। फिल्म जगत कहानी और किस्सों से भरा पड़ा है, बेशक उन कहानियों में कामिनी जी के भी कुछ किस्से हैं। आज की परिस्थिति में कामिनी जी वो अकेली अभिनेत्री हैं जो सबसे लंबी आयु में जी रही हैं। 93 साल की हो चुकी कौशल जी का जन्म आज के ब्रिटिश कालीन लाहौर में एक प्रोफेसर के घर 16 जनवरी 1927 को हुआ था। उनके पिताजी शिवराम कश्यप भारत के सबसे बड़े वनस्पति वैज्ञानिक रहे हैं। उन्हें ही भारत के वनस्पति शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। ऐसे पढ़े लिखे खानदान में जन्मी कौशल जी को डॉक्टर बनना था। जिस जमाने में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, उस वक्त शिव जी ने अपने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। उस वक्त कामिनी जी रेडियो में उद्घोषिका का काम करती थी, साथ ही कॉलेज के स्टेज शोज में भी हिस्सा लिया करती थी। महान संगीतकार रविशंकर साहब उस समय फिल्मों में संगीत नहीं दिया करते थे और कामिनी जी को वो बहुत अच्छे से पहचानते थे, और चेतन साहब की बीवी उमा आनंद के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे। ऐसे में एक दिन देहरादून में दून स्कूल में चेतन आनंद साहब आए और वहां उनकी मुलाकात कामिनी जी से हुई। 1945 में चेतन आनंद साहब नीचा नगर नाम की फिल्म बना रहे थे और उन्होंने कामिनी जी को इस फिल्म का हिस्सा बनाया, और अपनी पहली फिल्म से ही कामिनी जी देश विदेश में मशहूर हो गईं, क्योंकि नीचा नगर भारत की वो पहली फिल्म थी जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम दी ओर अवार्ड मिला। चेतन आनंद ने उनका असली नाम उमा कश्यप से बदलकर कामिनी कौशल रख दिया, क्योंकि उनकी बीवी का नाम भी उमा था, और इस तरह आने वाली सारी फिल्में इसी नाम के साथ रिलीज हुई। अपनी पहली फिल्म के सफलता के पीछे कामिनी जी की एक कहानी का मोड़ भी है। उनकी बड़ी बहन की आकस्मिक मौत के बाद उन्होंने अपनी बहन के पति के साथ शादी करने का बड़ा फैसला लिया, पर शादी के बाद नीचा नगर रिलीज हुई थी। ऐसे में परंपरा ये थी कि शादी के बाद लड़की फिल्मों में काम नहीं कर सकती, पर कामिनी जी के पति बी.एस. सूद ने उन पर कोई रोक नहीं लगाई। कामिनी जी की खूबसूरती और एक्टिंग को देख उन्हें बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। उस वक्त इतनी पढ़ी लिखी अभिनेत्री ना के बराबर ही थी। देखते ही देखते अशोक कुमार, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार की वे पसंदीदा हीरोइन बन गई। 1946 से 1967 तक मुख्य किरदार के तौर पर उनकी कई फिल्में सफल हुई, जिसमें शहीद, नदिया के पार, शबनम, आरजू, जिद्दी, नमूना, शायर, जेल यात्रा, नाइट क्लब, जेलर, बड़े सरकार, बड़ा भाई, पूनम, गोदान जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। देवानंद के अलावा उनकी जोड़ी को दिलीप कुमार के साथ सबसे ज्यादा पसंद किया गया। इसी कारणवश दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। पर एक वक्त ऐसा भी आया जब कामिनी जी को महसूस हुआ कि उनके पति एक अच्छे इंसान हैं, और ऐसे में दिलीप कुमार के साथ उनका नाम जुड़ना गलत है, और इस तरह दिलीप साहब का सपना टूट गया। माना जाता है दिलीप साहब का पहला प्यार खुद कामिनी ही थी, और अपने स्ट्रगल के दिनों में वो उनके ही घर रहते थे। जब ये बात कामिनी जी के भाई को पता चली तब उन्होंने दिलीप साहब को धमकी दी कि तुम मेरी बहन से दूर रहो। तो मैं थी आपकी अपनी स्वाति, आपको मेरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।